नमस्कार दोस्तों, अलकास वेज किचन में आपका बहुत बहुत ही स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं मेथी, मटर और मलाई की एक लाजवाब और टेस्टी टेस्टी सब्जी बनाने वाली हूँ। फ्रेंड्स, अगर कड़वापन की वजह से आप मेथी खाना पसंद नहीं करते तो इस तरह से जरूर ट्राई करना, बिल्कुल मेथी कड़वी नहीं लगेगी और ये सब्जी आपको उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, ये है स्वादिष्ट सब्जी बनाने के इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले हम मटर दाना को शेलो फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और 1 टेबलस्पून घी लिया है। मटर रेड करके तुरंत ही लीड कवर कर देंगे ताकि तेल के छींटे ना उड़े। फ्रेंड्स, स्टोव की फ्लेम हमें यहाँ पे मीडियम टू स्लो रखनी है। मटर दाना फ्राई हो चुके हैं तो अब स्टोव की फ्लेम स्लो करके प्लेट में निकाल लेंगे। सेम वे मेथी को भी शेलो फ्राई कर लेंगे। मेथी को हमें साफ पानी से धो के ड्राई होने के बाद ही शेलो फ्राई करना है। शेलो फ्राई करने से मेथी में से कड़वापन दूर हो जाएगा। दोस्तों, मटर और मेथी को हम बॉईल करके भी यूज कर सकते हैं, लेकिन शेलो फ्राई करने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। मेथी को भी प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम सीजनिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, सीजनिंग के लिए हमें एक्स्ट्रा ऑयल डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे मटर और मेथी दोनों ऑयली है और हम मलाई भी ऐड करने वाले हैं। हमारा ऑयल इनफ गर्म ही है तो ऐड करेंगे सूखा मसाला। सूखे मसाले में मैंने लिया है तमालपत्र, सूखी लाल मिर्च, दालचीनी और पादिया फूल। तीस सेकंड के बाद ऐड करेंगे अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट। फ्रेंड्स, ये पेस्ट बनाते वक्त साथ में मैंने 7-8 पीसेस काजू के भी ऐड कर दिए हैं। एक मिनट के बाद हम ऐड करेंगे प्याज की पेस्ट। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक बड़े प्याज की पेस्ट बनाई है। अब 2 से 3 मिनट इसे कुक कर लेंगे। 3 मिनट्स के बाद ऐड करेंगे टमाटर प्यूरी। यहाँ पे मैंने 3 छोटे टमाटर की प्यूरी बनाई है। साथ में ऐड करेंगे नमक, किचन किंग मसाला, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर। सभी मसाले मैंने 1/2 टेबलस्पून लिया है और सब्जी को रेड कलर देने के लिए मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है। लीड कवर करके कुक करेंगे। फ्रेंड्स, ग्रेवी में से ऑयल अलग पड़ता दिख रहा है और कलर भी हल्का सा डार्क हो गया है, मतलब हमारी ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है। तो अब ऐड करेंगे दूध मलाई। दोस्तों, हमें यहाँ फ्रेश मलाई यूज करनी है। फ्रेंड्स, मलाई ऐड करने से हमारी सब्जी में क्रीमी टेक्सचर तो आएगा, साथ में रिच टेस्ट भी मिलेगा। स्टोव की फ्लेम थोड़ी फास्ट कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, हमने जो मलाई डाली है इसमें से घी अलग हो जाए तब तक इसे कुक करना है। फ्रेंड्स, अब मलाई में से घी अलग दिखाई दे रहा है तो अब ऐड करेंगे शेलो फ्राई किया हुआ मटर, साथ में ही मेथी भी ऐड कर देते हैं। ठीक से मिक्स कर लेंगे। फिर से 2 से 3 मिनट तक इसे कुक कर लेंगे ताकि हमने जो डाला है वो मटर और मेथी में ग्रेवी का टेस्ट आ जाए। तीन मिनट्स के बाद ऐड करेंगे शुगर, जो बिल्कुल ऑप्शनल है, 1/2 टेबलस्पून जितना नींबू का रस। साथ में ऐड करेंगे धनिया और जीरा पाउडर। फिर से मिक्स कर लेना है और 1 मिनट के लिए इसे पकाना है। फ्रेंड्स, 1 मिनट के बाद स्टोव की फ्लेम ऑफ कर देंगे।
तो फ्रेंड्स सर्विंग के लिए हमारी मेथी मटर और मलाई की लाजवाब और टेस्टी सब्जी तैयार है। इसे रोटी पराठा पूरी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, तो आप जरूर बनाइए। और हाँ दोस्तों, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।